तो जय माँ भवानी दोस्तों, सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आर्यन चार्यन ब्लॉग्स पे। और सभी भाइयों और उनकी बहनों को आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, माँ भवानी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। तो आज जो है मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे पहले आपने देखा मंदिर की सफाई कर रहे थे नॉर्मली, तो लेट हो गए। और पहले काम वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लॉग तो बाद में भी हो जाएगा, और अभी मुझे लेट हो रहा है। मैं घर पर जल्दी से आके तैयार हो गया, तो क्यों ना अब जल्दी से पहले चलते हैं मंदिर, क्योंकि वहाँ पर आरती का टाइम हो रहा है। भाई मंदिर की सफाई कर दी है, मोनू भाई अंदर ही खड़े हैं। तो गाइज अभी जो है 15 मिनट बाकी है पूजा आने में, 12:15 का टाइम है, तो इतनी देर में सोचा बड़े पापा घर पे चल लेते हैं। और हमारी दीक्षु रानी क्या कर रही है और हमारी प्यारी पिंकू बहन क्या कर रही है, और आज आपको एक और निर्देशक देखने को मिले, संजय जी जिनके साथ हमने सेल्फी प्रैंक किया था। अरे अरे भैया तुमको कैसे भूल गए। बुरा बच्चन जी, बुरा बच्चन जी, कालूडोन कालिया। गाइस जितना भी काला नहीं हूँ, जितना ये रमेश भाई बता रहे हैं थोड़ा ऐसा, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है मृत्यु भाई। मैं तो ये कह रहा था अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंकुल दे रहे, अंकुल दे, अंकुल दे। हेलो देख आ गांव की मोटी भूख है। तो गाइज अभी जो है आरती वारती हो गई है, अभी हम जो है वहां पे बैठे थे चिड़जा बोलने के लिए, जैसे वजन होते हैं ना उनको चिड़जा बोलते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे ढोलक बजाने वाले जो भाई है वो थोड़ा सा लेट हो गए, शायद वो चुरू गए हैं, एक वाली ट्रेन में आने वाले हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। जब तक सोच रहे हैं खाना वाना खा के आ जाते हैं। बच्चे हैं भाई जिनके व्रत नहीं है, वो आराम से खा लो खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस ये देखो हम आ गए घर पे। तो गाइस हमारे किशन भाई आ गए हैं एक वाली ट्रेन में, बहुत वेट किया इनका। और अभी जो है सभी भजनाकार भाई अभी जो आपके भाई ने आराम से नींद कंप्लीट की है, वैसे नींद मेरी थी नहीं, जैसे बोलता है रात की नींद थी, तो अभी सो गया। रहे रात को भी आराम से सोया, अभी भी मतलब सोया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी नींद को लिया, 5 बज चुके हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बड़े पापा के घर से, क्योंकि पापा कॉल आया है बाजरी लेके आनी है, क्योंकि बकरियों को देनी है, अच्छी डाइट है उनकी। तो अभी जो है थोड़ी ख़त्म हो गई वहाँ पर है, वहाँ से लेके आनी है, तो चलो चलते हैं पहले। क्या खा रही है दीक्षु? अनार। अनार क्या खा रही है? अनार। अनार नहीं, अनार। आम। आम क्या? आम खा रही है, आम है। एक गाना सुना दे। मूड नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, बाय बाय, मैं जाऊं मंदिर चाल से। था आज का हमारा पूरा दिन नवरात्रा का, हमने कुछ इस प्रकार दिन गुजारा है हमारा। और मुझे याद है दोस्त कि जब मतलब एक साल पहले ये जो टाइम आया था ना, यहाँ पहला नवरात्रा था, उस दिन मतलब मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ। देखो मैंने सोचा था कि मैं हाँ
उठते बैठते नोड़ते रखूंगा, मतलब जिस दिन स्टार्ट होता है और जिस दिन खत्म होता है उस दिन। और पिछले साल मैंने फर्स्ट मतलब पहले दिन रख लिया था और लास्ट दिन मुझसे भूल हो गई थी तो मैं वो नहीं रख पाया। मैं शाम तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भूल हो गई थी, चलो वो छोड़ो। और मैं ये सोचता हूँ कि यार जब मेरा एक साल पहले का जो टाइम था ना, मैं आज आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। हर मतलब जैसे नवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई, मैं ऐसे त्यौहार पे जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ मेरी लाइफ में ऐड करता हूँ कि हाँ अब से मुझे ये करना है, अब से ये नया अच्छा जोड़ना है। बुरी चीज़ें आप दूर करो। और नवरात्रा तो इतना अच्छा पर्व है, मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ चाहो ना अपना वो अपना सकते हो। और आज मैं आपको जैसे मैंने सोचा कि मैं कुछ कोट्स बोलूँगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसे लास्ट में बोलूँगा, हाँ लास्ट में बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कल से मैं शुरुआत में बोलूँ, ठीक है? तो चलो, लेकिन आज तो लास्ट में ही बोलने वाला हूँ। आज हमारा दिन कुछ ऐसा गया, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं सबको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। आई थिंक अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारी फैमिली भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। फैमिली में इतना नहीं कह रहा कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन तो मुझे उनसे झगड़ती रहती है, वो छोड़िए, वो मजाक की बात है। लेकिन आप लोग सच में गाइज मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसा सपोर्ट करते रहो। मेरी फैमिली, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करे, मुझे और किसी से कुछ नहीं मतलब। मेरी अब आप बोलोगे फैमिली, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो मेरी फैमिली है, चाहे 530 फिलहाल मेरे 530 सब्सक्राइबर है तो वो मेरी फैमिली है। और तो मैंने अभी मैं आपको बता रहा था ना, मैंने वो सोचा है कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में ऐड करूँगा, तो मैंने ये कुछ ज्ञान देने का सोचा है और सच दिल से बता रहा हूँ गाइस। तो आज का कुछ ज्ञान ऐसा है कि चलो हिंदी इंग्लिश में मिक्स में बोल देता हूँ, ठीक है? याद नहीं कर रखा लेकिन दिल से बोल रहा हूँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स होने वाली है, ठीक है? तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यू जस्ट वॉन्ट ए पर्सन हु कैन फिक्स योर ओवर थिंकिंग, मतलब तुम्हारी सोच को जो है ओवर थिंक, तुम ऐसे ज़्यादा नहीं सोचते कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो तुम एक ऐसा पर्सन चाहते हो कि जो तुम्हारी सिर्फ ओवर थिंकिंग रोक सके, नॉट समवन हु सेज़ कि जो समझना है समझो। तो तुम इस चीज़ को प्लीज़ समझो यार, तुम किसी व्यक्ति को समझ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम इतनी पावर रखते हो, तुम किसी व्यक्ति की सोच को चंद सेकेंडों में बदल सकते हो और तुम्हारी सिर्फ बोलने से इतना फर्क पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि तुम कुछ क्यों ना अच्छा ही बोल लो, तुम्हारे बोलने से ही अगर सामने वाले बोल रहा है तो तुम अच्छा बोलो, ठीक है? तो बस आज का लोग यहीं खत्म करते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ करणी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।